Hello student, my name is Mini Sethi. Today I'm going to discuss about Keynesian theory of income and employment. अब Keynesian theory of income and employment क्या कहती है? सबसे important बात, classical theory हमने पढ़ी थी. Classical theory में ये मानते थे कि जो full employment है वो किसी भी market का क्या होता है? Normal feature होता है. वो क्या मानते थे कि market में हमेशा क्या रहता है? Full employment रहता है. ये कौन मानते थे? ये classical मानते थे. सबसे पहले तो केज ने क्लासिकल की इस बात को क्रिटिसाइज किया. वो सबसे पहले तो ये बोलते थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट किसी भी मार्केट का नॉर्मल फीचर नहीं है. अगर किसी मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट है तो अच्छी बात, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि एक मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट हमेशा ही पाया जाता है. ठीक है, तो वो क्या मानते हैं सबसे पहले कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट नॉर्मल फीचर ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट is not normal feature of market. ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि मार्केट में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट ही पाया जाएगा जैसे कि क्लासिकल बोलते थे. ठीक है, तो सबसे पहले ये बात को क्रिटिसाइज करते हैं कि कुछ जरूरी नहीं है कि किसी मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाए. अब ये तो पता होगा ना फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है. फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जितने भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जितने भी लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिल जाता है. ठीक है, जो अनएम्प्लॉयड है वो अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड है, उनको एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम नहीं करना भाई, वो तब अनएम्प्लॉयड है. जितने भी लोग एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम करने को तैयार है उनको मिल जाता है, ये होता है फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो क्लासिकल मानते थे कि मार्केट में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, लेकिन केशियन मानते थे नहीं, जरूरी नहीं है कि मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट पाया ही जाएगा. ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये. सेकंड, वो अपनी थ्योरी में जिक्र करते हैं इफेक्टिव डिमांड का. ठीक है, तो आपकी बेसिकली जो थ्योरी है वो इफेक्टिव डिमांड पे ही बेस्ड है. अब इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, जहां पे आपकी एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाती है. ठीक है, क्या है इफेक्टिव डिमांड, कहां होती है, जहां आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाती है. जैसे देखिए, ये आपकी क्या है एग्रीगेट सप्लाई और ये आपकी एग्रीगेट डिमांड, इस पॉइंट पे दोनों क्या है बराबर है. ठीक है, तो ये क्या है आपकी इफेक्टिव डिमांड. ठीक है, जहां पे आपकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाती है. ठीक है, अब इस एग्रीगेट डिमांड में खास बात क्या है, वो कहते हैं कि जहां पे आपकी एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाती है वो जरूरी नहीं फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो. ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट हो. ठीक है, देखो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है तो इस बात की श्योरिटी है कि जितनी सप्लाई हो रही है उसे डिमांड मीट कर रही है. ठीक है, मींस सप्लाई को डिमांड मीट कर दिया, लेकिन इस पॉइंट पे जरूरी नहीं कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो. नॉट नेसेसरी देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, जरूरी नहीं है इस पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो. ठीक है, जरूरी नहीं है इस ई पॉइंट पे जितने लोग काम करने चाहते हैं उनको काम मिल गया हो. ठीक है, समझ में आया, इफेक्टिव डिमांड जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है. ठीक है, और वहां इफेक्टिव डिमांड के पॉइंट में पॉइंट है उसमें जरूरी नहीं कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो. ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आया. ये अपने में किसका में किस पे मोर ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, इफेक्टिव डिमांड पे करते हैं जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है. ठीक है, लेकिन उस पॉइंट पे जरूरी नहीं इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हो. ठीक है, तीसरी बात ये क्या कहते हैं कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है आपकी मार्केट में तो इसका मतलब है लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज lack of aggregate demand. ठीक है, क्या कहते हैं, अगर आपके इकोनॉमी में फुल अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है मीन्स बेरोजगारी पाई जाती है तो आपकी मार्केट में कहीं ना कहीं किसकी कमी है, एग्रीगेट डिमांड की. ये इस थ्योरी की मेन हाईलाइट्स हैं, इन्हें समझ लोगे तो आपको थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. तो वो क्या कहता है, आपकी मार्केट में जो अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है जो बेरोजगारी पाई जाती है उसका कारण क्या है कि लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड. आपकी मार्केट में क्या एग्रीगेट डिमांड की कमी है, जितनी लोगों को डिमांड करनी चाहिए वो उतनी नहीं कर रहे, यही कारण है कि आपकी मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है. ठीक है, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना चाहते हो तो आपको किसे बढ़ाना पड़ेगा, एग्रीगेट डिमांड को. ओके, तो वो क्या करते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका कारण क्या है, आपकी एग्रीगेट डिमांड कम है. अगर अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना चाहते हो तो आपको एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा. ओके,
एग्रीगेट डिमांड में क्या आता है? कंजम्पशन पर प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन किस पर डिपेंड करता है? आपकी इनकम पे और प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? आपकी इनकम क्या है और प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, आपकी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है तो उसका कितना प्रपोर्शन आप खर्च कर रहे हो, मीन्स आपकी इनकम में से कितना प्रपोर्शन आप खर्च कर रहे हो, कितना आप सेव कर रहे हो, वो क्या? प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, और आपका इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट रेट पे और किस पे डिपेंड करता है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ठीक है, और आपका इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करेगा? मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है प्लस मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, का मतलब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो वो क्या कहता है, अनएम्प्लॉयमेंट को अगर दूर करना चाहते हो तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाओ। और एग्रीगेट डिमांड क्या है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन किस पे डिपेंड करती है? आपकी इनकम पे, आपकी प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम पे। और आपका इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट रेट पे और मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे। ओके, अब इन्हीं सारे पॉइंट को समझ के हम इसी थ्योरी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट वो क्या बोलते हैं कि एग्रीगेट डिमांड को अगर आपके मार्केट में एग्रीगेट डिमांड है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। ठीक है, कैसे आपके एग्रीगेट और डिमांड, एग्रीगेट डिमांड और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है? देखिए, यहाँ पे आप बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, और यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रेंड्स की। ठीक है, तो शुरू में क्या है, एम्प्लॉयमेंट भी जीरो है, एग्रीगेट सप्लाई भी जीरो है। हम लेते हैं एग्रीगेट डिमांड, ओके, 50, या हजार में, लाख में, करोड़ में, कितनी भी ले सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए शॉर्ट में ले रही हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए आपके मार्केट में 50 की डिमांड है। अब एग्रीगेट डिमांड तो है, लोग गुड्स एंड सर्विस की डिमांड तो कर रहे हैं। ठीक है, भले आपकी मार्केट में एम्प्लॉयमेंट जीरो है, एग्रीगेट सप्लाई जीरो है, ठीक है, लेकिन डिमांड क्या है, 50 की है। अब आपकी मार्केट में 50 की डिमांड है, इस अगर आपके मार्केट में डिमांड है, लोग गुड्स एंड सर्विस की डिमांड कर रहे हैं, तो इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए मार्केट में सप्लाई तो करनी चाहिए ना। लोग अगर गुड एंड सर्विस की डिमांड कर रहे हैं तो गुड एंड सर्विस को बनाना तो पड़ेगा ना, उसको प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा ना। मीन्स अगर उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो प्रोडक्शन करने के लिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो देना पड़ेगा ना। तो मीन्स अगर मार्केट में एग्रीगेट डिमांड है तो आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने के चांस है। तो एम्प्लॉयमेंट के ट्रेंड को क्या बोलेंगे, राइजिंग। मीन्स आपकी मार्केट में डिमांड है तो इसका मतलब है मार्केट में एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। अब आपने 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया, उन 10 लोगों ने 60 का प्रोडक्शन कर दिया, 60 का प्रोडक्शन करा तो उनको इनकम तो मिली ना, किसी को इंटरेस्ट की फॉर्म में मिली, किसी को रेंट की फॉर्म में मिली, इनकम तो उनको मिली ना, उनके पास पैसे तो आए ना। जो उनके पास पैसे आए तो उन्होंने क्या क्रिएट करी, डिमांड क्रिएट करी, 100 की डिमांड क्रिएट कर दी। अभी भी क्या है, आपकी डिमांड ज्यादा है और आपकी सप्लाई कम है। जब आपकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसका मतलब और प्रोडक्शन करने की जरूरत है, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की जरूरत है। तो एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड अगेन राइजिंग। ओके, जब आपकी मार्केट में सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो इसका मतलब है और प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड किसमें आ गया, राइजिंग में आ गया। फिर आपने 20 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया, उन 20 लोगों ने 90 का प्रोडक्शन किया और डिमांड क्रिएट करी 120 की। अभी भी क्या है, डिमांड इज मोर देन सप्लाई, और लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट के ट्रेंड के राइजिंग में है। फिर आपने और लोगों को काम दे दिया, 30 लोगों को काम दे दिया, उन्होंने मिलके 120 की सप्लाई क्रिएट करी, और जो सप्लाई से उनके पास पैसे आए उन्होंने 140 की डिमांड क्रिएट करी। अभी भी क्या है, हमारी डिमांड क्या है, मोर देन सप्लाई, और लोगों को काम मिलेगा भाई, राइजिंग में चला गया। उसके बाद अगेन आपने 40 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, उन्होंने क्रिएट करी सप्लाई 150 की, और उन्होंने मिलकर डिमांड क्रिएट करी 160 की। अगेन डिमांड क्या है, मोर देन सप्लाई, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब आपने और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, अब क्या हो गया, 180 सप्लाई है, 180 ही डिमांड है। अब आपका क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो गया। इसके बाद आप और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हो तो आपकी सप्लाई तो 210 होगी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग क्या डिमांड इतनी होगी, अब और लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे आकर आपकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो गई है। ठीक है, अब जो इस पॉइंट पे अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो बहुत अच्छी बात है, सेलिब्रेट। लेकिन
केज कहता है जरूरी नहीं है, केशे छुरी ये कहती है कि जरूरी नहीं है कि इस पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो, जरूरी नहीं है कि इस पॉइंट पे जितने लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिल गया हो, ओके तो ये जरूरी नहीं है। ये पॉइंट क्या आपका इफेक्टिव डिमांड का है, ठीक है, ये इफेक्टिव डिमांड है। यहाँ पे जितने लोग, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, या यहाँ पे क्या है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट तो आ गया, परंतु इस पॉइंट पे जरूरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ज्यादा एग्रीगेट डिमांड कम है, तो अगर पहले वाला ही नहीं बिक रहा, पहले वाले की नहीं सेल हो रही, तो प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन तो नहीं करेगा, और लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा ना, ये तो जाहिर सी बात है। इसलिए क्या है, एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड क्या फॉल में आ गया। अब इसको हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू बता देते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लेंगे एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यहाँ पे आपने एम्प्लॉयमेंट ले लिया, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई कर एस, ठीक है, पहले फ्लेक्सिबल है फिर उसके बाद जाके कॉन्स्टेंट में हो गया, ये है आपकी एग्रीगेट डिमांड, ओके। एग्रीगेट डिमांड को यहाँ से इसलिए हमने शुरू किया क्योंकि आपकी क्या होती है, ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है। ऑटोनोमस कंजम्पशन मीन्स अगर आपकी इनकम जीरो भी है तो आपको कुछ पार्ट तो स्पेंड करना पड़ेगा, चाहे आप दूसरों से उधार लेके करो, चाहे आपके पास पहले की सेविंग पड़ी है उससे करो, ओके। तो ये ई क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है, ई क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, लेकिन इस ई पॉइंट से आगे एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अगर इस ई पॉइंट से आगे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा भी देते हैं तो क्या होगा कि सप्लाई तो पहले ज्यादा है, डिमांड सप्लाई के कंपेरेटिव पहले कम है, तो और प्रोडक्शन की क्या जरूरत है, हटाओ भाई हटाओ, क्या जरूरत है और लोगों को लगाने की, खर्चा बढ़ाने की, तो फिर से आप इस पॉइंट पे आ जाओगे ई। अगर आप इससे कम करते हो, ठीक है, अगर आप इससे कम करते हो तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। अब डिमांड को फुलफिल करना तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ाना ही पड़ेगा, तो अल्टीमेटली आप इस ई पॉइंट पे आ जाओगे, ठीक है। और केशन बोलते हैं कि ई पॉइंट पे जरूरी नहीं कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो, अभी भी बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, ठीक है, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको काम नहीं मिला, तो अब क्या करें, ओके, ई पॉइंट पे जरूरी नहीं फुल एम्प्लॉयमेंट हो, तो अब क्या करें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे अब मैंने शुरू में हाइलाइट्स बताई थी इस थ्योरी की कि एग्रीगेट डिमांड आपके अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव कर सकती है, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट डिमांड क्या कर सकती है, आपके अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकती है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना चाहते हो तो किसे बढ़ाना पड़ेगा, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड में आपका क्या आता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टाइम पीरियड में कंजम्पशन तो इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड पे कंजम्पशन तो इंक्रीज नहीं होगी, आपको किसे इंक्रीज करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को। आपको किसमें चेंज लाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट में लाना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट में चेंज ला के आपको एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में दोनों होते हैं, कंजम्पशन गुड्स की डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड, कंजम्पशन को तो नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, आपको किसमें क्यों बढ़ाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट भी कौन सा इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर वाले इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे भाई, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले वाला सामान तो बिक नहीं रहा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाले प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, जब पहले वाला नहीं बिक रहा तो वो और क्यों इन्वेस्ट करेंगे। इसमें आपका होगा ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट, इसमें आपकी इन्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट, इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी या अदर इंस्टीट्यूट इन्वेस्ट करेंगे जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करते, इनका मोटिव प्रॉफिट को बढ़ाना नहीं होता। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट या अदर इंस्टीट्यूट इन्वेस्ट करते हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट पर्पस नहीं होता। इस टाइम पीरियड पे जब ऑलरेडी प्रोडक्ट नहीं बिक रहा था, जाहिर सी बात है आपका प्राइवेट सेक्टर वाले नहीं करेंगे, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कौन करेगी, आपकी गवर्नमेंट करेगी। तो केशियंस ने एक मोर इंपॉर्टेंट बात पे जोर दिया है कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस तो जरूरी है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट तो जरूरी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपने अपनी इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में लाना है तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये आपका एयर सप्लाई करो, ये आपका एग्रीगेट डिमांड करो, ठीक है। अब इस अगर आपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है तो आपको किसको बढ़ाना पड़ेगा, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना करो। अब आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, ईडी वन होगी, तो जिससे एम्प्लॉयमेंट ओ एन से बढ़कर ओ एन वन हो गया। देखो इतना आपने एग्रीगेट डिमांड बढ़ाई तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होगा, ओ एन से बढ़कर ओ एन वन हो गया। अगर इसके बाद भी और इन्वेस्टमेंट होता है और एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी क्या फुली एम्प्लॉयड है,
ठीक है, जितनी सप्लाई होनी थी वो हो चुकी है और कैपेसिटी नहीं है, इसके बाद सिर्फ प्राइस बढ़ेंगे, इम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आएगा। इम्प्लॉयमेंट को किसने रिमूव करा? आपकी एग्रीगेट डिमांड ने रिमूव करा। ठीक है, या ओएन पे सभी लोगों को काम नहीं मिल रहा था, मार्केट में फुल इम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं थी। ठीक है, तो क्या करना पड़ा? इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपकी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ा। जब आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ी तो ओएन से ओएन इतने लोगों को और इम्प्लॉयमेंट मिल गया। ठीक है, अब अभी हमने एम्प्लॉयमेंट की बात करी, तो अब हम थोड़ा इनकम और आउटपुट की बात कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरी कैलकुलेशन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली इनकम किस पे डिपेंड करती है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन क्या है? ठीक है, सीओ क्या है? ऑटोनोमियस कंजम्पशन। क्या है? ऑटोनोमियस कंजम्पशन। ठीक है, बी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो बेसिकली आपकी इनकम पे डिपेंड करती है। ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है? भले ही आपकी इनकम जीरो है फिर भी आप कंज्यूम करते हो, ये कैसी बात? भाई पेट भरने के लिए खाना तो चाहिए, फूड तो चाहिए ना, बेसिक हमें क्लोथ चाहिए, जो हमारी बेसिक नीड्स होती है, इंसेंशियल गुड्स की जो नीड्स होती है, ठीक है, जो हमें फुलफिल करनी होती है, चाहे हमारी इनकम है चाहे नहीं है, चाहे हमारे पास जो पिछले पैसे पड़े, पिछली सेविंग पड़े, चाहे हम उससे ले या दूसरों से उधार ले, ठीक है, तो वो क्या होती है? जो बेसिक नीड्स पे होते हैं वो क्या होती है? आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है। ठीक है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो उसका कितना पोर्शन आप सेव करते हो और कितना पोर्शन आप खर्च करते हो। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की बात होगी वो होगी आपकी ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट में एक होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट करते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले, जिनके इन्वेस्टमेंट का मोटिव करते हैं प्रॉफिट कमाना, लेकिन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के पर्पस के लिए नहीं होता। ठीक है, ये गवर्नमेंट कर सकते हैं, अदर इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, लेकिन इसका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। ओके, तो अब हम इसी की बात करते हैं कि इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन की। अब देखो, इनकम लेते हैं हम यहाँ पे हम कंजम्पशन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सेविंग ले लेते हैं, यहाँ पे हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड ले लेते हैं, जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बराबर है। शुरू में क्या है? इनकम जीरो है, लेकिन कंजम्पशन जीरो नहीं होगी, भूखे नहीं रह सकते ना, हमें बेसिक नीड्स तो चाहिए, बेसिक क्लोथ चाहिए, फूड चाहिए, तो हमारी कंजम्पशन क्या है? 25, जो कि क्या? ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब कंजम्पशन हमारी ऑटोनोमस है, सेविंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, जब इनकम ही जीरो है तो सेविंग क्या जाएगी? माइनस में जाएगी, -25। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है? हमारा कांस्टेंट रहता है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हो, क्योंकि जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है इसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, ये क्या रहेगा? आपका कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, जितना भी आप जनरेट करो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि इसका मोटिव इनकम के साथ इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ाना होता, क्योंकि इसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ठीक है, अब ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जहां पे देखो आपकी इकोनॉमी में जीरो इनकम है, ठीक है, कंजम्पशन ऑटोनोमियस है, तो प्राइवेट सेक्टर वाले तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता ना। प्राइवेट सेक्टर वाले तो डिमांड को देख के इन्वेस्ट करते हैं ना, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड है तभी तो वो इन्वेस्ट करेंगे, इस टाइम पीरियड पे तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, सिर्फ बेसिक नीड्स की डिमांड हो रही है। ठीक है, लोग ज्यादा अमीर नहीं, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो इस टाइम पीरियड में जाहिर सी बात है कौन इन्वेस्ट करेगा? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगा, प्राइवेट सेक्टर वाले तो रिस्क नहीं लेंगे ना, प्राइवेट सेक्टर वाले इन्वेस्ट करेंगे जब इनकम जनरेट होगी, लोगों के पास पैसा आएगा। ठीक है, लोग ज्यादा जब डिमांड जनरेट करेंगे वो भी होगा इसमें, लेकिन अभी हाल फिलहाल शुरू शुरू में क्या होगा आपका? सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड पे आपकी जो एग्रीगेट डिमांड क्या है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कंजम्पशन क्या आपकी 25 है और इन्वेस्टमेंट क्या आपका 75 है, दोनों को मिला के आपकी 100 क्या बन गई? आपकी एग्रीगेट डिमांड बन गई। ये एग्रीगेट डिमांड किस फॉर्म में आएगी हमारे पास? इनकम फॉर्म में आएगी। एग्रीगेट डिमांड में लोगों ने डिमांड करी, इन्वेस्टमेंट गुड्स की करी, कंजम्पशन गुड्स की करी, वो पैसे किसी के पास तो गए ना, किसी का खर्चा, किसी की तो इनकम बनी ना, चाहे आप कंजम्पशन गुड्स पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे आप कैपिटल गुड्स, चाहे आप इन्वेस्टमेंट गुड्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप कंजम्पशन गुड्स की डिमांड कर रहे हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड कर रहे हो, आप अपना पैसा दे रहे हो दूसरों को खरीदने के लिए, लेकिन वो किसी की तो इनकम बन रही है ना, तो ये एग्रीगेट डिमांड हमारे पास किस फॉर्म में आएगी? इनकम की फॉर्म में आएगी। ठीक है, समझ में आया? एग्रीगेट डिमांड हमारे पास किस फॉर्म में आएगी? इनकम की फॉर्म में आएगी। एग्रीगेट डिमांड में क्या,
कंजम्पशन गुड्स की डिमांड, इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड, हमने खर्चा किया लेकिन ये किसी की तो इनकम बनी ना, तो एग्रीगेट डिमांड हमारे पास किस फॉर्म में आएगी, इनकम की फॉर्म में आएगी। अब इस इनकम से हमें क्या निकालनी है, कंजम्पशन निकालनी है। कंजम्पशन कैसे निकालेंगे भाई, जिसमें सी हो ऑटोनोमियस कंजम्पशन, बी क्या प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोस्पेंसिटी ऑफ कंज्यूम को हम 0.75 मान लेते हैं। ओके, तो अब ऑटोनोमियस कंजम्पशन कितनी है 25, प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम 0.75 मल्टीप्लाई करते हैं इनकम से, इनकम क्या है आपकी 100, तो आपका आ जाएगा 100। तो ये 100 क्या आ गया आपकी कंजम्पशन आ गई, ठीक है, 100 आपकी कंजम्पशन आ गई, इनकम भी कंजम्पशन, इनकम भी 100, कंजम्पशन भी 100, तो सेविंग तो जीरो ही है। इसमें एग्रीगेट डिमांड कितनी हुई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, 100 प्लस 75 क्या होगा 175। ओके, तो ये 175 एग्रीगेट डिमांड हमारे पास आ जाएगी इनकम के रूप में। और फिर से हम निकालेंगे 25 ऑटोनोमियस कंजम्पशन, प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम 0.75, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे 175 से, ठीक है, तो हमारे पास कंजम्पशन आ जाएगी 156.25, ठीक है, हम इसे 156 ही लेते हैं, ठीक है। और इनकम और कंजम्पशन को अगर हम माइनस करेंगे तो आ जाएगी हमारी सेविंग, ठीक है, ये आपकी इनकम है, ये कंजम्पशन है, दोनों को माइनस कर आपकी सेविंग आ गई। अब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों को प्लस कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी एग्रीगेट डिमांड। अब देखो ट्विस्ट आ गया, नया ट्विस्ट आ गया, नया ट्विस्ट क्या आया, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, इस 100 को हमने एज इट इज इनकम ले लिया था, इस 175 को हमने एज इट इज ले लिया था, ये तो था ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लेकिन भाई एंड्यूज का तो होता है ना। अब प्राइवेट सेक्टर वाले देखेंगे भी लोगों के पास तो बड़ा पैसा आ रहा है, लोग तो बड़ी डिमांड कर रहे हैं, हम करते हैं वैसे, मोबाइल फोन की बड़ी डिमांड है उसका बिजनेस कर लो, इसकी बड़ी डिमांड है उसका बिजनेस करो, हम ऐसा करते हैं ना, ये चीज बहुत बिक्री है इसका, इसकी इसका प्रोडक्शन कर लो, इसकी इसका बिजनेस कर लो, इसका मार्केट में बड़ा ट्रेंड, हम कहते हैं ना। तो प्राइवेट सेक्टर वाले देखते हैं कि मार्केट में तो बड़ी डिमांड मिल रही है, लोगों के पास तो बड़ा पैसा आ रहा है, चलो अभी इन्वेस्ट करते हैं। अब इस इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में आपका, सॉरी, इस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में आपका जुड़ जाएगा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये 231 क्या है आपका, कौन सा इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये जो आपने इसमें ऐड करा आपने, ये 75 क्या है आपका, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, और ये 75 क्या आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इसमें आप इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जोड़ लोगे, मान लो 69, ठीक है। अभी आपने इसको प्लस किया था ये कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को, 156 को आपने 75 से प्लस किया था, तो ये 231 आ गए। इसमें क्या था, कंजम्पशन प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट था, प्लस आप इसमें 69 इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी जोड़ लो, जो कौन करेंगे, प्राइवेट सेक्टर वाले करेंगे, तो आपकी टोटल इनकम क्या होगी 300। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। 231 में आपके कंजम्पशन प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट था, हमने इसमें इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी जोड़ लिया, जो प्राइवेट सेक्टर वाले करेंगे, प्राइवेट सेक्टर वाले तो इन्वेस्टमेंट गुड की डिमांड करेंगे ना। तो अब हमने एज इट इज इसे न्यू उठाया, जैसे मैंने शुरू में एज इट इज उठा लिया था 100 को, 175 को, अब मैंने 231 को एज इट इज नहीं उठाया, इसमें मैंने कुछ पार्ट इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को भी जोड़ दिया। ओके, अब देखो फिर से हम निकालेंगे कंजम्पशन 25, 0.75 मार्जिन, प्रोस्पेंसिटी, ये प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम 300 इनकम, तो हमारा आ गया 250। ओके, ये 250 कंजम्पशन आ गई, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर देंगे, सेविंग आ गई। फिर दोबारा से 255 प्लस 75 प्लस इसमें हम क्या जोड़ेंगे, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को भी जोड़ेंगे, ठीक है। ये आपकी 250 क्या हो गया आपकी कंजम्पशन, 75 आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और ये आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट सेक्टर वाले कर रहे हैं, तो इनका टोटल क्या हो गया 350 हो गया। ऐसे ऐसे हम सबको निकाल लेंगे। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हुआ, जिसके कारण इनकम जनरेट हुई, फिर उस इनकम जनरेशन को देखकर क्या हुआ,
इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हुआ, जिससे एक क्या है, इकोनॉमी चलने लगी, जिससे फ्लो ऑफ इनकम क्या है मार्केट में बढ़ने लगा। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा सा डायग्राम में देख लेते हैं। मैं दो डायग्राम बना देती हूँ, एक तो एक में सबको दिखा देती हूँ, एक थोड़ा सिंपल सा आपको जो एग्जाम के टाइम पे याद रहे वो बनाया ना। ओके, यहाँ पे आपकी इनकम आ गई, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई होगी, ये आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो गया, आई ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, कंजम्पशन कर्व हो गया। ठीक है, इस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन को आप प्लस कर लोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको पैरेलल में ये आपका सप्लाई कर्व, ये सेविंग हो गया, सेविंग शुरू में क्या नेगेटिव में, ये जब -25 थी ना, यहाँ पे आपकी सेविंग नेगेटिव में है। ठीक है, ये लाइन आपके क्या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किया, ये लाइन आपकी कंजम्पशन किया, इस कंजम्पशन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को मिला के आपकी एग्रीगेट डिमांड बन गई और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, ये आपका, ये क्या आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इन सारी चीजों को हम डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे। अब आप इसको सिंपल वे में इसका कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन देख लो थोड़ा, ये आपकी इनकम, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये क्या आपकी एग्रीगेट सप्लाई, ये आपकी एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, इस पॉइंट पे आपके एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये क्या इफेक्टिव डिमांड है। इस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड तो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, लेकिन ये पॉइंट फुल एम्प्लॉयमेंट का नहीं है, अभी भी बहुत सारे लोग क्या अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना है तो आपको बढ़ानी पड़ेगी एग्रीगेट डिमांड। इस एग्रीगेट डिमांड में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट हो रहा था। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट इंटरफेरेंसी नहीं थी, कैशियस गवर्नमेंट इंटरफेरेंसी मस्ट मानते हैं, वो मानते हैं कि वो ही इकोनॉमी को इम्प्रूव करेंगे, वो ही क्या इनकम जनरेट करेंगे, वो ही अनएम्प्लॉयमेंट दूर करेंगे। तो इस एग्रीगेट में इनकम, कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड हो गया, जिससे क्या है आपकी जो इनकम है ओ वाई से ओ वाई वन आ गई। ये इफेक्टिव डिमांड थी, लेकिन इस पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर थी, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं था। फिर गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंसी करी, इन्वेस्टमेंट के थ्रू इनकम के फ्लो को बढ़ाया, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करा, इनकम को जनरेट करा, जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, तो जिससे क्या हो गया, लोगों की इनकम जनरेट हुई, सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक यू।